नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। एनआईए ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी की। गैंगस्टर के ठिकानों का भंडाफोड़ करने के लिए एनआईए ने ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक बदलाव के तहत कई जिलों में आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा कम किए जाने के मसले पर बीजेपी और सपा में वार पलटवार तेज हो गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति से संबंधित 20 फाइलों पर पुनर्विचार करने को कहा। अल्मोड़ा जिले में रचनात्मक महिला मंच कल्ट और नैनी डांडा के संयुक्त तत्वाधान से राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में नवा महिला महोत्सव का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा जिले के बिरल गांव में एक आवासीय भवन अचानक भर भरा कर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही जिस वक्त घटना घटी उस समय पर घर पे कोई नहीं था। यूपी के साथ सीमा विवाद के निपटारे में हो रही देरी से उत्तराखंड के खानपुर क्षेत्र के किसानों को तगड़ी चपत लगाई गई। किसानों ने इस जमीन पर गन्ना बोया हुआ था। लक्सर में चीनी मिल चलने के बाद से पुरकाजी हरिद्वार हाईवे पर जाम की समस्या फिर से होने लगी शुरू। कार्रवाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरि सिंह सरपे के कर गमलों से ग्राम टैंक में सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया। किसान हुए खुश। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा कम किए जाने के मसले पर बीजेपी और सपा में वार पलटवार तेज हो गए।